الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبو بكر وشكره واجب على أمتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جانشین سید ابرار کی باتیں کریں. یہ کون ہیں جانشین سید ابرار؟ کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ یہ معلوم ہے کیا نام ہے؟ جمادی الصالح. اس کو جمادی الاخرا بھی کہتے ہیں، جمادی الصالح بھی کہتے ہیں. اور اس مہینے کا خاص تعلق کسی شخصیت کے ساتھ ہے آپ کو معلوم ہے؟ طالبات بتائیں، مہمانوں کو سمجھ آئیے. کس کا نام لیا ہے جی؟ آپ کو اس لیے توجہ کروا کے بتا رہی ہوں کہ وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ نام جس کا مرتبہ پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ کے بعد ہے، اس مہینے کو آپ کی ذات کے ساتھ نسبت خاص ہے. نسبت خاص کا مطلب کہ اس مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے. آپ کو کیا سمجھ آئیے؟ اونچی بولیے، میں نے کس کا نام لیا؟ کیا ہوا اس مہینے میں؟ آپ کی وفات ہوئی ہے. تو میں نے کیا کہا کہ اس نسبت سے پھر آج انہی کی بات کرتے ہیں، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں. یہ کون ہیں؟ صاحب صدق و صفا، اے جانشین مصطفیٰ. صاحب صدق و صفا، اے جانشین مصطفیٰ، مرتبے میں سب سے افضل تو ہے بعد الانبیاء. دین حق کو سب سے پہلے کر لیا تو نے قبول، دین حق کو سب سے پہلے کر لیا تو نے قبول، تھی خدا کی دین تجھ پر اے رفیق مصطفیٰ. یار غار سید کونین ختم المرسلین، یار غار سید کونین ختم المرسلین،
बहरे इल्मो मारिफत गंजे करम काने सखा। काबिले सद फख्र थे सब काम तेरे बिल यकीन, काबिले सद फख्र थे सब काम तेरे बिल यकीन, जिंदगी भर दी की खिदमत तूने की बे इंतहा। इज हुमा फिल गार, ये किसने फरमाया? रब ने कुरान में फरमाया। इज हुमा फिल गार है हक में तेरे फरमान हक, इज हुमा फिल गार है हक में तेरे फरमान हक, तुझ पे राजी है खुदा भी और महबूब खुदा। कर दिया सारा असासा, असासा क्या होता है? माल असबाब दौलत औलाद घर बार। कर दिया सारा असासा तूने बेशक वक्फे दी, जब तलब असहाब से हजरत ने मालो जर किया। बाहमी इखलास से तूने गुजारी जिंदगी, मुनिसो गम खार था हर एक का तू बेरिया। और आखिरी शेर जो तमाम कलाम का खुलासा और जान है, रोज़ाए अक़दस से अनवर में अब भी जाकर देख लो, रोज़ाए अक़दस में अनवर अब भी जाकर देख लो, यार के पहलू ब पहलू यार है लेटा हुआ। यार के पहलू ब पहलू यार है लेटा हुआ। अज़ीज़ात गिरामी क़दर, अल्लाह जल्ला जलालहू ने क़ुरान अज़ीम सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, क़द नसरहुल्लाहु इस अखरजहुल्लज़ीन कफ़रू, अल्लाह उनका मददगार है जब उनको काफिरों ने घरों से निकाल दिया। सानियस्तैनी इज हुमा फिल ग़ार, उस वक़्त दो में वो दूसरे जब दोनों ग़ार में थे। इज यकूलु लिसाहिबिही, उस वक़्त पैगंबर ने अपने साथी अपने रफ़ीक को फरमाया तसल्ली देते हुए, ला तहसन इन्नल्लाहा मअना, कि गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। ये वो सनद और ये वो डिग्री है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खासुल ख़ास सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हक में नाजिल फरमाई। और ये उस लम्हे को अल्लाह पाक ने बयान किया, उस सीन को उम्मत तक पहुंचाया जो सीन गारे सौर की तीन रातों में पेश आया, जहां मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हुए तीन रातें मुस्तफ़ा करीम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में गुजारी। ये उन रातों के दरमियान गारे सौर में होने वाली गुफ्तगु है जो रब कुरान में नाजिल फरमा रहा है। इसकी अहमियत इसकी शान पहचानने के लिए ये काफ़ी है कि वो बंदा जिसका ज़िक्र उसके माँ बाप उस्ताद या उनका नबी ही नहीं खुद रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा हो, और वो बात और वो ज़िक्र कुरान में क़यामत तक के लिए नकल कर दिया गया हो और सारी उम्मत को उसकी तिलावत करने का हुक्म दे दिया गया हो, एक लम्हे के लिए सोचिए कि उस शख्स का मकाम क्या है, उस बंदे का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में क्या है। ये कौन है? ये वो हैं
जिनके लिए अब आगे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं कि हुब्बु अबू बकरिन व शुक्रहु वाजिबुन अला उम्मती। आप इस्लाम फरमा रहे हैं कि अबू बकर की मोहब्बत, अगला लफ्ज़ गौर से सुनिए, अबू बकर की मोहब्बत और इसका शुक्रिया अदा करना मेरी सारी उम्मत पे वाजिब है। आज हम थोड़े से वक्त में आपकी ज़ाते अक़दस को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और आका इस्लाम के उस फरमान की तामील करेंगे कि आपका शुक्रिया अदा करना क़यामत तक आने वाली हजूर की उम्मत पर वाजिब है। वाजिब मुस्तहब नहीं, वाजिब है, यानी लाजिम है कि हमारी हर नस्ल, हमारा हर दौर, हमारा हर इलाका, हमारी हर कौम, हमारी हर बरादरी और बरादरी का हर शख्स जहाँ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे वहाँ सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करे, जहाँ आपकी ज़ात का शुक्र गुज़ार हो वहाँ सिद्दीक़ अकबर का शुक्र गुज़ार हो। कि जो कुर्बानियाँ, जो इखलास, मोहब्बत की जो फरावानी और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए जो कुर्बानियाँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दी, उनका शुमार नहीं किया जा सकता और उनको अहाताए गुफ्तगू में भी नहीं लाया जा सकता। और इससे बढ़कर कीमती बात यह है कि अगर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की वो कुर्बानियाँ और वो दानिशमंदियाँ इस्लाम को हासिल ना होती तो शायद इस्लाम आज इतने उरूज पे ना होता और अरब से निकलकर दुनिया की तरफ इस्लाम फैलना शुरू ना होता। एक वक्त में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला दे दिया मगर खदीजतुल कुबरा के एहसानात का बदला अल्लाह ही देगा। और दूसरे वक्त में आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक के एहसानात का बदला अल्लाह ही देगा, मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया मगर अबू बकर सिद्दीक के एहसानात का बदला अल्लाह ही देगा। ये इतनी मुकद्दस हस्तियाँ और इतनी मोहतरम और काबिल सद इफ्तिखार हस्तियाँ किसकी नज़र में हैं? कायनात के वाली की नज़र में। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ाते अक़दस कितनी आला, कितनी अरफा है, जिनको वफ़ात की सनद या तो रब अदा कर रहे हैं या फिर मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची निस्बतें, मशाबहतें, खसलतें हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हासिल थी। एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक 63 साल हुई और दूसरी रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक 65 साल थी। आप 21 जमादियुल आखिर की रात को शाम के बाद अल्लाह से जा मिले और शरई तौर पर शाम के बाद अगले दिन का आगाज़ हो जाता है, मतलब चांद के हिसाब से जब शाम हो जाती है तो चांद की अगली तारीख शुरू हो जाती है। तो इस एतबार से किताबों में आपकी जो वफ़ात की तारीख लिखी है वो 22 जमादियुल उखरा है। याद रखिए आज 11 जमादियुल उखरा है, आज के बाद 11वें दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात का दिन है। कौन सी तारीख? 22 जमादियुल उखरा या जमादियुल सानी, जो आपके लिए आसान हो वही लफ्ज़ याद रखें। तो सामियात मोहतरम, हमारी मोहब्बतों का तकाजा क्या है? जिस ज़ात के लिए, जिस शान के साथ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि इस ज़ात की मोहब्बत और इसका शुक्रिया अदा करना मेरी उम्मत पे वाजिब है, तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सबक सिखा रहे हैं, तरगीब दिला रहे हैं कि हमेशा मेरे दोस्त को, मेरे महबूब को याद रखो
और उसको खिराज अकीदत पेश करते रहो। अब इस दौर में हमारे लिए आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का तरीका क्या है आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, आपकी तालीमात पे अमल करना, आपके अंदाज़े मोहब्बत को अपनाना और ये याद करके अपने महबूब से प्यार करना कि अबू बकर सिद्दीक ऐसे हजूर से प्यार करते थे, कुर्बानी देते हुए इन बातों का ख्याल रखना कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक दीन के लिए यूँ कुर्बानियाँ पेश करते रहे और क्या क्या चीज़ वक्त आने पर उन्होंने दीन पर लौटा दी और हजूर के कदमों में जा के रख दी। आज जब इस्लाम को दीन को ज़रूरत पड़े तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में खिराज अकीदत का तरीका ये है कि हम अपना जायज़ा लें, हमारे पास माल दौलत असबाब दीन तालीम माल जान अपनी ताकत ये सब कुछ कितनी मिकदार में है और हम अल्लाह के हुजूर और उसके रसूल के कदमों में कितना पेश करते हैं। तो यहाँ हमें अगर ये सोच नसीब हो जाए, ये निस्बत नसीब हो जाए कि हम थोड़ी थोड़ी कोशिश के बाद आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, और कि एक दिन जिक्र सुने और पूरे का पूरा माल असबाब दीन के रास्ते में दे दे, लेकिन जिस वक्त इंसान कोशिश शुरू कर देता है तो अल्लाह पाक काम करने वालों में उसको शामिल फरमा देता है, ये उसकी करम नवाजी है। एक गरीब आदमी गुजरा, गरीब था, लोगों को सदका खैरात करते देखता था, सखावत करते देखता था, तो इतना बेबस इतना गरीब था कि एक चलते चलते नज़र पड़ी ज़मीन पर एक कीड़े को देखा, कहा कि काश या अल्लाह इस कीड़े को तू आटा बना देता, आटा बना देता और ये आटा सारा मैं तेरी राह में खैरात कर देता। तो अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा, कहा कि जा जाके मेरे बंदे को खबर कर दे कि तूने जितने दर्द के साथ ये सोचा और तड़प के साथ ये दुआ मांगी कि ये आटा बन जाता तो ये मैं आटा अल्लाह की राह में दे देता तो तुझे उतना आटा खैरात करने का सवाब मिल गया। तो जिस वक्त हम नेकों के पीछे चलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और उनका तरीक़ा अपनाने की तलब रखते हैं कि या अल्लाह काश तू हमें इतना अता कर तो हम भी इस तरह तेरी राह में दें, तो रब्बुल जलाल उस नियत के बदले में हमें उतना सवाब ज़रूर अदा करवा देता है। और अगर हमारी नियत में इखलास कायम रहता है तो एक वक्त में जाकर रब हमें वो नेमतें भी अदा करता है कि लो दिल खोल के मेरी राह में खर्च कर दे। तो हमारी ये खुशनसीबी कि हमारी ज़ुबानों पर उस मुकद्दस हस्ती का जिक्र आया और हमारी समाअतें उनका नाम और उनके मुकद्दस जज्बात वाले इरादों को सुनने के लिए बैठे हैं। वो सिद्दीक़ अकबर जो इस्लाम के मौसम बहार की पहली बारिश, वो सिद्दीक़ अकबर जो शजर इस्लाम का तैयार होने वाला पहला फल है, वो सिद्दीक़ अकबर जो मिल्लत अहमदी के ख़तीब अव्वल हैं, वो सिद्दीक़ अकबर जो उम्मत मुहम्मदिया के अमीर अव्वल हैं, वो सिद्दीक़ अकबर जो उम्मत मुस्तफ़ा के इमाम अव्वल हैं, ज़ात में सिफात में इशारे माल में और नफ़ाए ईमान में और जमअ कुरान में जिनको वलियत नसीब हुई, मुजाहदाए गार में मुशाहदाए यार में और दखूले गार में जुदो सखा में सिद्को सफ़ा में महरो वफा में इंतखाबे निगाह मुस्तफ़ा में इश्क़े मुस्तफ़ा में हत्ता के कब्रे मुस्तफ़ा में फिर हशर में फिर हौज पर हर जगह पर अल्लाह करीम ने सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा का साथ अता फरमाया है। पूरी दुनिया के लोगों के लिए
तकवे का मायार बनाने के लिए अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर की ज़ात को मुंतखब किया और फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का तकवा रब ने बयान करना था। हर वो काम जिसमें अजर व सवाब की ज़्यादती होती, हर वो काम जो मुस्तफ़ा को पसंद होता, हर दिन में जब उसका जायज़ा लिया जाता कि महफिल में बैठे हुए किस सहाबी ने कौन सा काम किया फलां फलां फलां, जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम अजर व सवाब की ज़्यादती इरशाद फरमाते थे और हर दिन उन कामों के करने की तरगीब देते थे, तो सवाल किया जाता कि आज महफिल में सुबह उठकर सबसे आला काम हमदो सना में इबादत और रियाजत में सबसे ज़्यादा किसने किया, जायज़ा लिया जाता तो पूरी महफिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ खड़ा होता। अगर सवाल किया जाता कि आज के दिन में जनाजे में शिरकत करके जनाजे का सवाब किसने हासिल किया, जायज़ा लिया जाता तो सबसे पहले हाथ सिद्दीक़ अकबर का खड़ा होता। मिस्कीन को आज खाना खिला के उसका सवाब किसने हासिल किया, तो जब सबकी तरफ नज़र डाली जाती तो नज़र सिद्दीक अकबर के हाथ पे जाकर ठहरती कि वो हाथ खड़ा होता। या रसूलल्लाह आज मैंने गरीब की मदद भी की, आज मैंने गरीब को खाना भी खिलाया, आज मैंने मरीज़ की इयादत भी की, आज मैंने मुसलमान का जनाजा भी पढ़ा, आज मैंने मिस्कीनी की हालत में सुबह भी की कि अपना सारा माल रब की राह में पेश कर दिया। हर काम में सबकत ले जाने वाली शख्सियत का नाम अबू बकर है। और लफ्ज़े बकर अबू बकर, ये बा का रा, इस लफ्ज़ का अरबी में माना ही ये है कि वो चीज़ जिसके अंदर अव्वलियत पाई जाती हो, जिसके अंदर अव्वलियत पाई जाती हो। बकर ना तो आपका कोई बेटा था, ना आपकी कोई बेटी का नाम था, तो फिर अबू बकर आपकी कुनियत क्यों हुई? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी ज़िंदगी में पैदाइश से लेके वफात तक हर चीज़ में आपको अव्वलियत अता फरमाई, इसलिए आपका लकब, आपकी कुनियत अबू बकर मशहूर हुई। तारीख़ इंसानी में ऐसा दोस्त, गमगुसार, वफाशियार, जानिसार, इताअत गुजार किसी को दोस्त मिला ही नहीं जैसा मुस्तफ़ा को रब ने अता फरमाया। ये ऐसे सहाबी जिनको सहाबी का लकब बाद में अता हुआ, मर्तबा बाद में मिला, रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह ने पहले फरमा दिया। और ऐसे दोस्त जिनको मेराज की रात में अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक बनने से पहले ही रब ने सिद्दीक का लकब अता फरमा दिया। सामियाते मोहतशम, ये वो लोग हैं जिनकी शबो रोज़ की कुर्बानियों से, जिनकी जान निसारियों से आज अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, आज अल्लाह ने हमें कुरान पढ़ने की सआदत अता की है, आज हमें दरूद व सलाम पढ़ने का पता है, आज हमें मुस्तफ़ा की ज़ात की पहचान है। अगर ये हस्तियाँ ना होती और आकाए दो आलम की ज़ाहरी रहलत के बाद ये इस्लाम को संभालती नहीं और आका अलैहिस्सलाम के हर हर अदा की हिफाजत नहीं करती, आपके इबादत और रियाजत का प्रचार ना करती और उसके लिए अपने जानो माल कुर्बान ना करती, तो आज इतनी आज़ादी और इतनी शान के साथ हम मुसलमान ना होते। आज यूँ हमें ऐसी सरजमीन मुयस्सर ना होती जहाँ आज़ादी से हम ज़मीन के चप्पे चप्पे पे नमाजें पढ़ सकते, चप्पे चप्पे पे इबादत और रियाजत के नजराने अपने रब के हजूर पेश कर सकते। ये सिद्दीक़ अकबर ही थे जिनकी शान में शायर ने कहा कि रिसालत की सदाकत के निशाने अव्वली तुम हो। ऐ सिद्दीक़ अकबर, रिसालत की सदाकत के निशाने अव्वली तुम हो, यही एक हरफे हक है क्या कि साहिबे हक़ुल यकीन तुम हो, यही एक हरफे हक है
इस साहिब अक्ल यकीन तुम हो, जहाँ इरशाद फरमा थे रसूलुल्लाह वहाँ तुम हो, जहाँ इरशाद फरमा थे रसूलुल्लाह वहीं तुम हो, जहाँ आराम फरमा है रसूलुल्लाह वहीं तुम हो। आपकी ज़ाती अक़दस, आपका मकाम, आपका मर्तबा आज जो दुनिया में मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, आपकी खिलाफत के मुतल्लिक सवालात उठा के, आपकी ज़ात के मुतल्लिक सवालात उठा के, लोगों के अंदर गलत फहमियाँ और गलत अकायद का प्रचार करके जिस तरीके से अवाम को गुमराह किया जा रहा है, खुदारा इन चालों इन साजिशों को समझकर अपने ईमान, अपने अकीदे और अपनी मोहब्बतों की हिफाजत करना हमारे लिए अशद ज़रूरी है। और वो इसी सूरत में हो सकता है जब हम सिरात मुस्तकीम की जस्तजू रखें और आका अलैहिस्सलाम के महबूबीन को पहचानने की कोशिश करें और उस रास्ते को पहचानें जिसको आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है। अगर हम हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत अव्वल का इनकार करेंगे तो दर पर्दा हम कुरान का इनकार करेंगे। तो क्या हमारे अंदर ये जुर्रत है कि हम कुरान का इनकार कर सकें और कुरान का इनकार करके फिर भी मुसलमान रहें? टाइटल आपकी ज़ाते अक़दस का ये है जिससे आपकी सबसे आला पहचान है कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसका नारा लगाया, क्या उनकी अव्वलियत और उनकी शान शौकत पर भी कोई एतराज़ हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये वही सिद्दीक अकबर हैं जो सिर्फ ज़ात में अव्वल नहीं, तमाम सहाबा इकराम की जमात का जायज़ा लें तो वो सिफात में भी अव्वल हैं, वो दराजात में भी अव्वल हैं, वो हसनात में भी अव्वल हैं, वो अबू बकर हैं ही इसलिए कि वो खिदमात में भी अव्वल हैं, वो खैरात में भी अव्वल हैं, वो सदाकत में भी अव्वल हैं, वो हर बात में अव्वल हैं, नज़ूल बरकत में अव्वल हैं और दखूल जन्नत में अव्वल हैं। अस्साबिकून अल अव्वलून के सुरखैल और सिपा सलार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। और इससे बड़ी आपकी शान किन अल्फाज में बयान की जाए कि दो आला तरीन सफ़र मुस्तफ़ा करीम ने इख्तियार फरमाए, एक सफ़र मेराज, दूसरा सफ़र हिजरत। एक सफ़र के साथी जिब्रील हैं और दूसरे सफ़र के साथी सिद्दीक हैं। दोनों सफ़रों को कंपेयर कीजिए, ज़रा दोनों के अहवाल सुनिए और फिर देखिए कि इस दाग के मुतल्लक हमारे दिलों में कितनी मोहब्बत पैदा होती है। अगर ईमान की दौलत मौजूद है, अगर हकीकत पसंद है, तो हम एक लम्हा भी पहचानने में नहीं लगाएंगे कि सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है। जब आप मेराज के लिए रवाना होते हैं तो अल्लाह पाक एक साथी मुकर्रर करता है आपके सफ़र का, वो साथी कौन है? वो जिब्रील है। जब जिब्रील को आपका साथी बनाया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को हुक्म फरमाता है कि जाओ मेरे महबूब को सफ़र मेराज की दावत दो। तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं, मौला उस सफ़र के पे जाने के लिए सवारी क्या होगी, मुस्तफ़ा के लिए किस सवारी का इंतज़ाम किया जाएगा? तो रब करीम फरमाता है या जिब्रील जन्नत से बुर्राक ले जाओ और जाके वो सवारी मेरे महबूब की बारगाह में पेश करो। उस पर सवार होकर मेरे नबी सफ़र मेराज का आगाज़ करें। जिब्रील जन्नत से बुर्राक लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, आप बुर्राक पर सवारी फरमाते हैं और उस सवारी पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पे तशरीफ़ ले जाते हैं। ये सफ़र है और ये साथी है सफ़र मेराज का। फिर वहाँ से चलकर सातों आसमानों तक जिब्रील साथ चलते हैं, ये साथी हैं ना सफ़र के, तो साथ चल रहे हैं, मगर सिदरतुल मुंतहा आ गया तो जिब्रील परेशान हो गए। सिदरतुल मुंतहा आ गया
तो जिब्रील परेशान हो गए, या रसूलल्लाह मैं क्या करूँ, अब आपकी मंजिल तो अभी दूर है मगर मेरी तो बस हो गई, मैं तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। फरमाया जिब्रील क्या वजह है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह वजह ये है कि आगे पावर ज़्यादा है और मेरे नूर की पावर उस नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहाँ आगे जाना आप ही का काम है, वो पावर रब ने आप ही को अता फरमाई है, वो जिब्रील को अता नहीं की। साथी रुक गया, सफ़र जारी है, अब मुस्तफ़ा उस सफ़र को जारी रखे हुए हैं, रब के पुरब के मरहलों में दाखिल हो रहे हैं मगर साथी रुक चुका है। अब दूसरे सफ़र को देख लेते हैं जो सफ़र हिजरत है। अब उस सफ़र की इब्तिदा से ही पहले एक दिन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आकर हजूर की बारगाह में अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, कई लोग हिजरत करके जा चुके हैं, आपने सहाबा को इजाज़त फरमा दी है, या रसूलल्लाह हम भी हिजरत ना कर जाएं? तो आपने फरमाया ए अबू बकर इंतज़ार करो, हमारा जब वक्त आएगा अल्लाह का हुक्म होगा तो हम भी हिजरत करेंगे। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह तो फिर आपके साथ कौन होगा जो आपके साथ हिजरत करेगा? फरमाया इंतज़ार करो, हो सकता है तुम ही हो। अब आका अलैहिस्सलाम ने बाय ऑर्डर नहीं कहा, अभी सिर्फ इम्कान जाहिर फरमाया, कहा कि हो सकता है तुम ही हो, ये बस एक बात हुई थी, बात ख़त्म हो गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंतज़ार में थे कि रब का हुक्म मेरे लिए कब आएगा कि मैं जब हिजरत फरमाऊँ और मदीना तैयबा की तरफ रुख करूँ, मगर वो जो यार ने बात सुन ली थी वो दिल पे ले ली थी, महबूब की ज़ुबान से जो कलिमा निकला था उसके अंदर ख़ास इशारा समझ लिया था, वो जो वाकिफ़ असरार मुस्तफ़ा था उसने हजूर के दहन से निकली उस बात का इशारा समझ लिया। अब रातों का करार ख़त्म हो गया, नींद छोड़ दी कि कहीं मेरे महबूब को रात के किसी घड़ी में मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि जो मुस्तफ़ा की ज़ुबान से निकल गया है वो होकर रहेगा, ये तो यकीन कामिल था अबू बकर सिद्दीक को। कितना अरसा पहले की बात थी, बात हुई ख़त्म हो गई, अभी हुक्म तो आया नहीं, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को अभी इजाज़त नहीं दी कि आप मक्का छोड़कर जाएं, मगर वहाँ तो राय निराली है, वहाँ तो अंदाज़ ही निराला है। कुछ अरसा गुजर गया, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि हबीब आप भी मक्का छोड़ दीजिए, मदीना हिजरत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात के वक़्त जो अल्लाह का फरमान था उसके मुताबिक अमल किया, रात के वक़्त निकलने का इरादा फरमाया। आधी रात हुई, जब सब लोग सो गए तो मेरे मुस्तफ़ा अपने दर अकदस से निकले, सफ़रे हिजरत का इरादा फरमाकर, और सोचा कि रात में खामोशी से जाकर अबू बकर को जगाऊंगा और जगाकर उसको साथ ले जाऊंगा ताकि किसी और को खबर ना हो, मगर यहाँ यहाँ तो मंजर ही और है। मेरे आका चले, गुजरते हुए गलियों से सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुँचे, आराम से उस पर दस्तक देना चाही, जब हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे के पीछे अबू बकर सिद्दीक को बैठा हुआ देखा। फरमाया अबू बकर ये क्या? अर्ज़ की आका जब किसी दिन में आपने ये फरमाया था हो सकता है अबू बकर तुम ही मेरे हिजरत के साथी बनो, तो ये गुलाम उस दिन से रात के वक्त दरवाज़ा बंद करके सवार हिजरत पास रख के दरवाजे के साथ पीठ लगा के बैठ जाता है कि मेरा महबूब जब आए तो उसे दरवाज़ा बजा के मुझे जगाना ना। ये मोहब्बतें सीखी नहीं जाती, इश्क सिखाता है, और मोहब्बतों के ज़ाबिते नहीं होते, ये पैमाना होता है। हम अपने अंदर जब झांकें तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हमारे अंदर किसी के लिए कितनी मोहब्बत है, कितना इश्क है। तो ये वो इश्क था जिसकी कायनात में मिसाल नहीं। अब
अब देखिए, अब वो सफरे मेराज याद रखिए, जिब्रील साथी थे सफर के, मगर बुर्राक लेकर आए थे, बुर्राक की लगाम पकड़ी थी और मुस्तफ़ा को सवारी पे बिठा के चल रहे थे। वो तो नूरी फरिश्ते थे, फरिश्तों के सरदार थे, मगर सवारी के लिए बुर्राक है। ये अबू बकर सिद्दीक है, ये खाकी इंसान है, ये ज़मीन पे चलते हैं और आगे जहाँ जाना है वहाँ ठहराव कहाँ है, पड़ाव कहाँ है, रास्ते का स्टे कहाँ है, 3 मील बुलंदी पर गारे सौर, और वहाँ जाने के लिए आज जवान से जवान हाजी जब गारे सौर पे चढ़ता है तो सामान साथ लिए हुए, पानी की बॉटल्स हाथ में पकड़े हुए, रास्ते में रुक रुक कर और बार बार ऊपर देखता है कि चोटी कब आएगी, गार तक कब पहुँचेंगे, और थकावट से बुरा हाल हो जाता है। उस इश्क का ज़रा मुजाहरा कीजिए, उस इश्क का नज़ारा कीजिए कि अबू बकर सिद्दीक घर से चलते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह इस तरह नहीं चलना, ज़मीन पे आप चलेंगे तो 2 बंदों के कदम लगेंगे जब, तो लोग पहचान देंगे कि ये 2 बंदों के कदम किधर किधर गए हैं, और तलाश करने वाले हमें तलाश कर लेंगे। आका ये सवारी हाजिर है, इस गुलाम के कंधों पे मेरे महबूब सवारी करेंगे, ये सवारी बनेगा, आप सवार बनेंगे और आपका साथी यूं लेके चलेगा। अब इस सफर का मंजर क्या है कि सिद्दीकी अकबर ने मुस्तफ़ा करीम को अपने कंधों पे बिठा रखा है, मैदान में भी चल रहे हैं, अब पहाड़ी पे चढ़ने का वक्त आ गया। वो 3 मील की, 3.5 मील की कितनी चढ़ाई है, वो सारी की सारी अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा को कंधों पे बिठा कर चढ़ा। और यकीनन आप हिजरत फरमा रहे हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत तो ज़रूरत का सामान कुछ साथ होगा, मगर इसके बावजूद किसी जगह पे पूरे रास्ते में तलाश करने वालों ने कहीं ऐसा नहीं देखा कि इस जगह पे 2 बंदों पे पैर लगे हैं और बाकी सारे रास्ते में 1 बंदे के हैं, यानी कहीं से ये सबूत नहीं मिलता कि किसी जगह पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह को उतार कर कहीं सांस लेने के लिए स्टे किया हो, रिलैक्स होने के लिए रुकने का कहा हो। थ्रू आउट आप गारे सौर तक मेरे मुस्तफ़ा को लेके जाते हैं, ये वो साथी सफ़र का है, उधर वो साथी सफ़र का है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, आपका इश्क क्या है, आपकी मोहब्बत क्या है, मकाम मोहब्बत क्या है, अल्लाह के यहाँ मकाम क्या है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकाम क्या है। ये वो हस्तियाँ हैं जिनका जिक्र करने के लिए अल्लाह पाक हमारी ज़ुबानों को तौफीक देता है। कभी हम गौर करें तो हमें अंदाज़ा हो कि आज हम किस मकाम पे हैं, जो अपने ऊपर टाइटल मुसलमानी का लगा के फिरते हैं, इश्क़े मुस्तफ़ा का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, हमारे अंदर कुर्बानी का कितना जज्बा है, हम दीन के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, रसूल से कितना प्यार करते हैं, रसूल की तालीमात से कितना प्यार करते हैं। जब भी कंपेयर करने की बारी आएगी, जब भी 2 चीज़ों का तकाबुल होगा तो हम पूरे फेल होंगे, मगर फिर भी हम शर्मिंदा हुए बगैर आशिक़े मुस्तफ़ा कहलाते हैं अपने आप। ये दर्स है इन लोगों की जिक्र करने का, और ये दर्स है इनका जिक्र खैर करने का कि उनके जिक्र के फयूज़ो बरकात हमारे अंदर उतरे, हमारे अंदर की विलाजत और कसावत ख़त्म हो और हमारे अंदर उनकी सखावतों का नूर आ जाए, उनकी मोहब्बतों का, उनके इशार का नूर आ जाए। और एक ज़र्रा नूर भी नसीब हो गया तो आज के दौर के मुताबिक तब भी हम समझेंगे हमारी रब ने बख्शिश फरमा दी और हमें भी अच्छे लोगों में शामिल फरमा दिया। हज़रत सिद्दीक आपका वो लकब जो कुरान ने आपको अता फरमाया, अतीक भी आपका लकब जो मुस्तफ़ा ने आपको अता किया। अतीक का लफ्ज हजूर ने आपको इरशाद फरमाया, अतीक का मतलब होता है आज़ाद, और अतीक का मतलब हसीनो जमील भी होता है, और सिद्दीक का मतलब क्या होता है, ऐसा सच्चा नहीं, ऐसा सच बोलने वाला, सिर्फ सच्चा होता तो सादिक ही बहुत था, सिर्फ सच्चा होता सच बोलने वाला तो सादिक ही बहुत था, सिद्दीक इसमें मुबालगा है, ऐसा सच्चा कि जो बोले तो रब उसको उसके मुताबिक कर दे, और जिससे झूठ बोलना मुमकिन ही ना रहा हो
उसको सिद्दीक कहा जाएगा। आपने अभी सदा तस्दीक करनी थी, रब ने आपको सिद्दीक पहले कह दिया। ये आपका मकाम है, ये सिद्दापत है, यानी ज्यादा सच बोलने वाले को भी सिद्दीक कहते हैं, बहुत बड़े सच्चे को भी सिद्दीक कहते हैं, और ज्यादा तस्दीक करने वाले को भी सिद्दीक कहते हैं। यानी जहाँ सच मुबालगे की हद तक पहुँच चुका हो, इंतहा तक पहुँच चुका हो, उस जात को सिद्दीक कहा जाता है। तो आपकी जात किन किन सिफात की हामिल है? आप अबू बकर भी हैं, यानी हर मामले में पहल करने वाले। आप अतीक भी हैं, यानी अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से आपको ये गारंटी दी जा चुकी है कि आपको अल्लाह पाक ने हर सजा अता दोज़ख से आज़ाद फरमा दिया है। आप खलील भी हैं, आप रफीक भी हैं, आप शफीक भी हैं, आप सिद्दीक भी हैं, आप मोहसिन भी हैं, आप राहबर भी हैं, आप सादिक भी हैं। ये चंद मकामात हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के। शायर कहता है कि अजमत इस्लाम को दुनिया में बचाया किसने? रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए तो फिर कौन था आगे? जिसने इस्लाम की अजमत को सिर्फ बचाया नहीं बल्कि फैलाया पूरी दुनिया में। अजमत इस्लाम को दुनिया में बचाया किसने? जोरे रद्दत को ज़माने से मिटाया किसने? या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो, मानो कि ये सारे वसफ सिद्दीक के अकबर में हैं, और अगर इकरार नहीं करते तो फिर दूसरी तरफ क्या लाजिम आएगा? या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो, वरना लाजिम है कि कुरान का इनकार करो। और जो कुरान का इनकार करेगा उसके पल्ले क्या रह जाएगा? कुछ बाकी रह जाएगा? तो आपकी ज़ाती अकदस जिसकी सिफात, जिसके औसाफ, जिसके आला किरदार को तो मुमकिन ही नहीं कि किसी एक दो नशिस्तों में बैठकर बयान किया जा सके। तो इसलिए कि कुछ इब्तदाई गुफ्तगू के बाद मैंने आज एक अहम पॉइंट पे गुफ्तगू करने का सोचा। वो क्या है कि आपके ज़माना खिलाफत में जो 2 साल और कुछ महीने हैं, नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद, आपके विसाले अक़दस के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो ज़माना खिलाफत है वो कितना है? 2 साल से कुछ महीने ज़्यादा। इतने अरसे में आपने बहुत से आला काम सर अंजाम दिए, बहुत से ऐसे कारनामे जो इंसान सोच नहीं सकता वो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सर अंजाम दिए। मगर उन सब में जो आला तरीन कारनामा था वो था कुरान करीम को जमा करना। आज ये कलाम मजीद जो हमारे घरों में मौजूद है और इतनी आसानी से मार्केट की हर किताबों वाली शॉप से दस्तियाब हो जाता है, हमें क्या मालूम कि इस कुरान को यहाँ तक पहुँचने में कितने मरहलों से गुजरना पड़ा, और इसको मुरतब करने वालों ने दिन रात की सालों की कितनी मेहनतें की। आज ज़रा मैं वो थोड़ा सा नक्शा आपके सामने रखना चाहती हूँ। हो सकता है कि इसी के ज़रिए हमारे अंदर कुरान की अजमत पैदा हो जाए, कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाए, हम उसकी तिलावत के आदि बन जाए। ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, कोई शय भी जब मार्केट में आती है, जब वो तैयार होकर आती है, आगाज़ में वो वैसी नहीं होती। उसको बनने के लिए, तैयार होने के लिए कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। अपने आप को ले लें, इंसान को ले लें, आप जो इस मकाम पे यहाँ बैठे हैं, क्या इसी तरह से इसी उम्र में इसी हालत में आपको उतारा गया है? नहीं।
पीछे जाएं ज़रा, बहुत पीछे जाएं, जब आपका नामो निशान नहीं था। कितने मरहले गुजरे, कितने प्रोसेस गुजरे, तब पहले तो आप इस दुनिया में आए। दुनिया में आने के बाद कितने मरहले गुजरे तब आपके इस उम्र को पहुँचे। तो कोई बंदा इस एक नौजवान खूबसूरत लड़की या लड़के को देख के जब फरीफ्ता होता है, आशिक होता है उसका, तो उसके जेहन में कभी ख्याल आया है कि ये कहाँ से बनना शुरू हुआ था और कहाँ पहुँच के इस मकाम तक आया है? नहीं होता ना। हमारी नज़र सिर्फ जाहिर पे होती है, मौजूदा सूरत पे होती है। इसी तरह आज कभी कुरान मजीद को हाथ में पकड़ते हुए हमें ख्याल आया कि ये कुरान कितने मरहलों से गुजर कर यहाँ पहुँचा है? नहीं आया ना, और कभी भी नहीं आता। हम बाज़ार जाते हैं एक चीज़ पसंद करने के लिए, तो हम मार्केट में शोरूम में रखी हुई हर चीज़ को देखते हैं और एकदम से जो चीज़ अट्रैक्ट करती है हम उस पर जाके हाथ रख देते हैं। वो लिबास हो, वो फर्नीचर हो, वो हमारी क्रॉकरी का सामान हो, कोई भी चीज़ जब हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो हमारा ध्यान उसके प्रोसेस पे कभी नहीं गया, और ना कभी खड़े होकर हम सोचते हैं कि ये सामान जो बना इस पे बनाने वाले ने कितनी मेहनत की है, उसका कितना अरसा लगा होगा, बेचारे को कितनी मुशक्कतें उठानी पड़ी होगी, कभी नहीं सोचा। एक लिबास बाज़ार में स्टैचू में लगा होता है, आप जाके खड़े हो जाते हैं दुकान के सामने और आप कहते हैं मैंने तो यही लेना है। आपने कभी ये खड़े होकर वहाँ नहीं सोचा कि ये लिबास बनने में कितने हाथ, कितने बंदे, कितना टाइम इन्वॉल्व हुआ, तब जाके ये लिबास बना। एक कपड़ा, फिर उसकी तैयारी, फिर उसकी स्टिचिंग, फिर उसकी एम्ब्रॉयडरी, फिर उस पर काम, ये तमाम चीज़ें जो है ये प्रोसेस से गुजर कर एक लिबास स्टैचू पे लगता है। अब कुरान अजीम हमारे सामने खूबसूरत बाइंडिंग में, खूबसूरत जिल्द में, खूबसूरत किताब की सूरत में हमें मिलता है, हम हदिया देकर लेके आ जाते हैं, मगर हमारा ध्यान कभी पीछे नहीं जाता कि ये कुरान हमारे तक कैसे पहुंचा। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो हमारा दिल चाहेगा कि हम इन हस्तियों को हर लम्हा करोड़ों सलाम पेश करें, जिन्हें 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी इस कुरान के अंदर शब्दों मत में कोई तब्दीली नहीं होने दी। यहाँ एक बात भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने यह कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो मैंने अभी आपके सामने जो बयान करना है वो क्या है कि जितनी अरक रेजी, जितनी मेहनत, जितनी मुशक्क़त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दौरे खिलाफत में की और जिसके नतीजे में कुरान महफूज हुआ, फिर वो क्या है? जब अल्लाह ने फरमाया कि ज़िम्मा हम लेते हैं, हिफाजत इसकी हम करेंगे, तो फिर सिद्दीक़ के अकबर क्यों उसको जमा कर रहे हैं? अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आपको इस बात की भी समझ आ जाएगी कि अल्लाह करीब जब कोई पावर, कोई ताकत या कोई अथॉरिटी अपनी किसी बंदे को काम की देता है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो वो अल्लाह के मुकाबले में शिर्क नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रजा से उसके बंदों से मदद तलब की जाती है। अल्लाह के बंदे उसकी अता करदा ताकत से काम करते हैं और वो काम अल्लाह फरमाता है मेरा ही काम है। इसका सबूत आपको इस बात से मिलेगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो खिलाफत की मसनद पे बैठते ही पहला काम किया वो क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कसरत से बहुत से कबीले, बहुत से इलाके मुर्तद होना शुरू हो गए, इस्लाम छोड़ने लग गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ही कुछ लोगों ने हुज़ूर के मुकाबले में नबी होने का दावा कर दिया था, जिनमें सबसे बड़ा फितना मुसैलमा कज़्ज़ाब का था।
इसका पूरा नाम मुसैलमा बिन हबीब था, लेकिन नबी इस्लाम ने उसको जब कज़्ज़ाब फरमाया तो आज पूरी दुनिया उसको कज़्ज़ाब के नाम से ही बोलती है। उसके बाप का नाम किसी को याद ही नहीं। तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, ये हमारे आका का मकाम है। आपने जब मुंह अपने दहन मुबारक से कज़्ज़ाब कह दिया तो आज तक दुनिया उसको मुसैलमा कज़्ज़ाब ही कहती है। आपका बहुत बड़ा कारनामा ये था, आपने जो लश्कर तैयार कर रखा था खालिद बिन वलीद के मईयत और आपकी सिपा सलारी में, आपकी सरपरस्ती में, उसको हर हाल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा किया, बावजूद इसके सहाबा इकराम ने उसकी मुखालफत भी की, मगर आपने आका अलैहिस्सलाम का शुरू किया हुआ काम रोका नहीं, हर हाल में उसको पूरा किया। और जब लोग मुर्तद होने शुरू हो गए तो उनके साथ बाकायदा जंगें लड़ी गई और आखिरकार वो आपकी इस मेहनत शाका का ये नतीजा निकला कि लोग वापस इस्लाम में दाखिल होने लग गए और मुसलमान कज़्ज़ाब के उस फितने को आपने ख़त्म फरमाया। ये बहुत बड़ा कारनामा था, वरना इस्लाम ख़त्म हो जाता, लोगों को उनके हाथ पे छोड़ दिया जाता तो इस्लाम ख़त्म हो जाता और चंद सालों में अरब से बाहर निकलने की तो क्या बात थी, जो वहाँ अरब में था वहाँ से भी उसका नामो निशान मिट जाता। फिर ईरान और शाम तक की जो अजीम फतूहात हुई वो आपके इन आला कारनामों की वजह से और पै दर पै जंगे लड़ने की वजह से हुई। ये आपका एक बहुत बड़ा कारनामा था, मगर इसके अलावा कई जो बड़े बड़े कारनामे आपने सरंजाम दिए, हम आज इसमें से सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करेंगे, वो क्या, कुरान को जमा करना। मैंने कहा कि कुरान पाक को जो आपने जमा फरमाया और इससे पहले जो इसकी सूरत हाल थी वो क्या थी और फिर इसके बाद क्या फ़ायदा पहुंचा, ज़रा इस पर मुलाहिज़ा कीजिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जब वही नाजिल होती थी तो जिन सहाबा की वही लिखने की ड्यूटी थी उनको हुक्म दिया जाता और वो मुख्तलिफ चीज़ों पर कुरान मजीद की आयतें लिख लिख कर संभालते जाते। चीज़ें क्या होती थी, चमड़ा, हड्डियाँ। हड्डियाँ कौन सी, ऊँट की जो शाने की हड्डी होती है वो बहुत चौड़ी हड्डी होती है, गाय की शाने की हड्डी होती है वो बहुत चौड़ी हड्डी होती है। अब उन सबको साफ कर कर पहले खुश्क किया जाता, साफ करके सुखाया जाता, फिर उनको तैयार करके रखा जाता है। समझ लें ऐसे कि जैसे कुछ अर्सा पहले हमारे बच्चे तख्तियाँ लिखते थे, स्लेटें इस्तेमाल करते थे और उनके ऊपर लिखा करते थे, इसी तरह उन चीज़ों को तैयार किया जाता। जो खाने होती गाय की खाने, बकरों की खाने, ऊँट की खाने, उनको साफ किया जाता, सुखाया जाता, उनको तैयार करके मुनासिब पीसीज में उनको सेव कर दिया जाता और कुरान करीम की आयतों को उनके ऊपर लिख कर फिर संभाला जाता। ये जरा गौर करते जाइए कुरान के तैयार होने का जो प्रोसेस है वो क्या है। फिर पत्थर, जो साफ पत्थर मिल जाते उन पत्थरों को साफ करके उनके ऊपर वो लिखी जाती कुरान की आयतें और उनको संभाला जाता। आप जरा ये गौर कीजिए कि कुरान को महफूज करने के लिए सामान कितना चाहिए, बड़े बड़े संदूक सहाबा इकराम के घरों में होते जिनके अंदर वो पत्थर, वो जिल्दें, वो हड्डियां जिनके ऊपर आयात लिखी जाती है, उनको अदब से एहतराम से उन संदूकों के अंदर महफूज किया जाता। और आज साथ साथ हम अपनी हालत का अगर जायजा लेते जाएं तो हमारे घरों में जब कुरान करीम के वर्क शहीद हो जाते हैं, सिपाही शहीद हो जाते हैं, तो हमारे अंदर इतनी तौफीक नहीं होती कि हम उनका एहतराम करके उनको संभाल सकें। फिर हमारी कमेटियों को, तहरीकों को डब्बे और टीन लगाने पड़ते हैं बाहर बिजली के पोल्स के साथ कि शहीद हुए और आप वहाँ जाके डाल दिए जाए और हमारी गैरत ईमानी इसके लिए तैयार हो जाती है कि हम शहीद हुए और आप जाके वहाँ डब्बों में डाल दें। मुझे आज हज़रत सईद बिन अबू बकर सिद्दीक की ज़ात से इस चीज़ को जाहिर करना है कि आज हम ईमान के किस दर्जे पे खड़े हैं और उस वक्त सहाबा इकराम
जिनको पाक करके सुखा के तैयार करते, वो पत्थर जिनको चमका कर साफ करते और फिर उनके ऊपर कुरान लिखते। आज हम अपने साफ करते हैं ना, तो हमें टेंशन हो जाती है कि शहीद होने कानून को हम किधर संभाले। मुझे जरा ये सोच के बताइए कि वो सहाबा हम पत्थरों को कहाँ संभालते थे। आज हमारी जो तरतीब है वो खराब होती है, उनके घरों की तरतीबें क्या थी, बड़े पत्थर उल्टे सीधी शक्लों के ऊपर कुरान लिखा है, हड्डियों के ऊपर कुरान लिखा है, चमड़ों के ऊपर कुरान लिखा है, और उन्हें संदूकों के अंदर अपनी जान से ज्यादा अजीज रख के संभाला है। होता क्या था, जिस सहाबी तक जो आया तो मुबारक पहुंची, जितना कलाम पहुंचा उसने वो संभाला, जितना उसे महफूज करने का मौका मिला उसने वो संभाला, और अपनी अपनी जगह पे वो कुरान अजीज मौजूद होगा। उसके अलावा जो सहाबा वही मुबारक लिखने पर मुकर्रर थे उनको कातिबीन वही कहा जाता था। जब जिब्रील लेकर आते रसूलुल्लाह कुरान पढ़ते तो वो सहाबा पास बैठे होते और वो अपने कलम लेकर साथ साथ लिखते जाते, वो चंद ही लोग होते। और कुछ लोग जो हजूर की बारगाह में मौजूद होते वो हजूर अलैहिस्सलाम से कुरान अजीम सुन सुन कर साथ हिफ्ज करते जाते। क्या पता हुआ इस तरह, कुछ कारी हजरात थे, कुछ हाफिज हजरात थे, और कुछ कातिब थे लिखने वाले, और कुछ सिर्फ सुनने वाले थे। ये तमाम कैटेगरीज सहाबाई काम की थी। जिस वक्त कभी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तो जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने को खत्म करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंग लड़ी, उस जंग का नाम था जंगे यमामा। जंगे यमामा में बहुत सारे सहाबा जो भेजे गए जंग के लिए उनमें तकरीबन 1200 कुरान के हाफिज थे। मुझे आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, 1200 तकरीबन कुरान के हाफिज थे जो सहाबा थे, और 1200 हाफिज़े कुरान जंगे यमामा में शहीद हो गए। अब आप जरा सोचिए कि जिस कौम में से 1200 शहीद हो जाए और इस्लाम का इब्तिदाई जमाना हो, इतना बड़ा नुकसान है। अब उसके बाद एक रिवायत पर यह है कि किसी आयत के मुतल्लिक अगर तुम्हें फारूक को तस्दीक की जरूरत पड़ी तो आपने किसी हाफिज से ये सवाल फरमाया कि ये आयत किस तरह है, उन्होंने अर्ज की कि ये तो फलां हाफिज को आयत आती थी जो जंगे यमामा में शहीद हो गए, इस आयत के बारे में हमें तो इल्म नहीं है। और ये आगे अमली सोच उन लोगों के अंदर आती है जो मिशन से वाबस्ता होते हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने सलीम और गौरव फिक्र की दौलत अता की होती है। फौरी तौर पर क्लिक किया हजरत उमर फारूक के जहन मुबारक में, आज अगर एक सहाबी नहीं रहा जिसको शायद का पता था, और मुकम्मल हर वक्त जंगी जारी है और 1200 हमारे हफाज शहीद हो गए, अगर इसी तरह से मामला रहे और हमारे हफाज शहीद होते रहे तो हमारे कुरान का क्या बनेगा। ये होती है फिक्र, ये होती है आपकी सोच, और इसको दांत और इसी को मिशन कहते हैं। हजरत उमर फारूक ने जब ये सोचा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आए, आकर ये मसला पेश किया और कहा कि ये जरूरी है कि आप कुरान को जमा करवाने के लिए कोई तरीका इख्तियार फरमाएं, अगर कुरान को जमा ना किया गया तो फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर इस्लाम के हाफिज खत्म होते गए तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और कुरान के लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फर्स्ट टाइम जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी वजह से मैंने आज इन गुफ्तगू को मौजूद सुखन बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। सवाल किया क्यों नहीं कर सकते, आपने फरमाया इसलिए कि ये काम मुस्तफा करीम ने नहीं किया लिहाजा मैं भी ये काम नहीं करूंगा।
बात का जवाब है। आज जो लोग कहते हैं ना कि क्या ये रसूलुल्लाह के जमाने में काम हुआ था, जो आज आप करते हैं दीन के लिए, ये औरतों की ऐसी माफी हुई थी रसूलुल्लाह के जमाने में जो आप करते हैं, या ये माफी मिला हुई थी जो आप करते हैं? सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया, ये रसूलुल्लाह के जमाने में ये काम नहीं हुआ था, लिहाजा मैं ये नहीं करूँगा। हजरत उमर फारूक ने फिर दलील दी, कहा कि ये काम उम्मत के नफे के लिए, उम्मत के फायदे के लिए और दीन को महफूज करने के लिए है, इसमें रसूलुल्लाह के किसी काम की मुखालफत नहीं है। आप मुसलसल इनकार करते रहे और हजरत उमर फारूक दलील देते रहे, हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि उमर फारूक के मुसलसल दलील देने से मुझे अल्लाह ने इशराह सदर अता फरमाया, मेरा सीना इस बात पे खुल गया और मुझे समझ आ गई कि ये काम मुझे लाजमन करना चाहिए। उधर देखिए, जब कोई रहनुमा होता है तो वो आने वाले वक्त के लिए जो इंतजाम फरमाता है वो इशारतन इंतजाम होते हैं, और उन इशारात को अपनी जामा पहनाना बाद में आने वाले साहिब बसीरत को भी पका होता है। अब यहाँ इशारा क्या था आपके लिए सुन रखा है बयानात में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में हर साल हजरत सैयदना जिब्रील अमीन के साथ एक मरतबा कुरान का दौर फरमाया करते थे। ये सुन रखा है ना, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए जी। मैंने क्या पूछा है, हर साल जिब्रील अमीन के साथ रसूलुल्लाह कुरान का दौर फरमाया करते थे। ये दौर क्या होता है? दौर ये होता है कि दो हाफिज आमने सामने बैठते हैं, बारी बारी मसलन एक पारा निसफ पारा एक रुबा, एक हाफिज दूसरे को सुनाता है, दूसरा पहले को सुनाता है, इसको कहते हैं दौर। जरा मंजर कशी कीजिए, देखिए जिब्रील का मुकद्दर देखिए कि रसूलुल्लाह के सामने आपके हाथ में रमजान में बैठते हैं और पूरे रमजान में रसूलुल्लाह जिब्रील को कुरान सुनाते हैं, जिब्रील रसूलुल्लाह को सुनाते हैं। मगर जो आखिरी साल था आप अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का, वो जो आखिरी रमजान मुबारक था, उस रमजान में रसूलुल्लाह ने दो बार जिब्रील के साथ दौर किया। दूसरी मरतबा जब आपने दौर फरमाया ना, उस वक्त अपने सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित जो काफिले वही थे, आपने उनको भी अपने साथ बिठाया और जिब्रील अमीन से कहा कि ऐ जिब्रील ज़ैद बिन साबित का कुरान सुनो। तो ज़ैद बिन साबित ने भी पूरा कुरान जिब्रील को सुनाया। अब आगे देखिए कि इसके अंदर इशारा क्या था। आ गया दौरे अबू बकर सिद्दीक, वक्त आ गया कुरान को जमा करने का। हजरत उमर फारूक ने जब दलाइल देकर अबू बकर सिद्दीक को कायल कर लिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन हजरत ज़ैद बिन साबित को बुलाया। रसूलुल्लाह फरमा के तो नहीं गए थे, ये मिजाज आशनाए मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक है जो समझते हैं कि भलाई कहाँ है, खैर कहाँ है। ज़ैद बिन साबित को बुलाया और कहा, ज़ैद तुम एक नौजवान बसीरत रखने वाले, हिम्मत रखने वाले, इल्म रखने वाले नौजवानों, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूँ कि तुम कुरान को जमा करने का काम शुरू करो। आपको समझ आई कि रसूलुल्लाह ने आखिरी साल में जिब्रील को ज़ैद बिन साबित का कुरान क्यों सुनाया था? मेरे आका देख रहे थे कि आगे चल के कुरान जमा करने की ड्यूटी इसकी लगने वाली है। और अबू बकर सिद्दीक को किसने बता दिया था कि रसूलुल्लाह ने इसलिए जिब्रील को कुरान सुनाने का कहा था? अब ज़ैद बिन साबित का जवाब सुनिए। आज हमने कुरान को बड़ा मामूली समझ रखा है, हमारे नजदीक कुरान सिर्फ एक किताब रह गई है, हमें तिलावत करना मुश्किल महसूस होता है। तालिबात आपकी तवज्जो कहाँ है? ऊपर से तालिबात को नीचे बुलवाइए, आप लोग नीचे आ जाइए, जैसे भी बैठिए आप।
सबसे ज्यादा आपकी सुनने वाली जरूरी चीजें हैं। क्या है
कि जिस वक्त भी कोई बंदा लेकर आएगा कोई एक आयत, तो एक आयत मुझे पेश करने के साथ अपने साथ दो गवाह लेके आएगा। दो गवाहों की मौजूदगी में कुरान की एक आयत को कबूल किया जाएगा और माना जाएगा कि वाकई ये कुरान की आयत है। किसी एक आयत ने सुनते हुए इश्तिबा हो गया कि हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि इस आयत में वाव नहीं है, वाव समझते हैं ना, मीम नून वाव, वाव नहीं है। दूसरे साहबी जो आयत लाए उन्होंने कहा कि वाव है। आपने फरमाया कि अच्छा अगर ये बात है तो इसकी तहकीक के लिए मुझे ये बताओ कि तुमने रसूलुल्लाह से ये आयत कहाँ सुनी थी, आपने ये आयत किस जगह पे खड़े होकर पढ़ी थी। तो मैं यकीन करूंगा कि वाकई तुमने जो बात सुनी है दुरुस्त है और इस आयत के अंदर वाव है जो तुमने रसूलुल्लाह की जुबानी अकदस से सुनी। जब गवाही ली जाती दो बंदों से तो फिर भी सिर्फ आयत नहीं ली जाती। हम तो कुरान में इतना पढ़ते हैं कि ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है, ठीक है, और कुछ सूरतें जंगलों में उतरी, कुछ सूरतें रास्तों में उतरी, कुछ सूरतें बाजारों में उतरी। सहाबा इकराम को हर हर उस सूरत का ये पता था कि मुस्तफा ने कहाँ ये तिलावत की, कहाँ सुनी, कहाँ नहीं आई। और कीजिए सहाबा इकराम को कितनी मोहब्बत और कितना इश्क था कुरान और साहिब कुरान के साथ। अब वो सहाबी जो आयत लेकर आए थे उन्होंने कहा कि जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त रसूलुल्लाह मदीना के बाजार में गंदों की दुकान के ऊपर खड़े थे और उस वक्त वही लेकर आए। रसूलुल्लाह ये आयत पढ़ रहे थे और मैं भी रसूलुल्लाह के साथ ये आयत पढ़ रहा हूँ। अजी जाते मोहतरम, आप देखिए किन एहतियातों और किन मेहनतों के साथ इस कुरान के प्रूफ लिए गए, इस पर तस्दीकात की गई, फिर इसको जमा करने का काम शुरू हुआ और अब ये एक मुनज्जम तरीके से मुरतब करके एक नुस्खा तैयार किया गया। ये सबसे पहला वो जमे कुरान का सिलसिला था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ काम सैयदना हजरत उमर फारूक के ज़माने में आगे चलते हुआ, फिर उसके बाद कुछ काम जो ज़्यादा नुस्खे तरकीब देने की बात थी वो किस तरह हुई कि जब मुख्तलिफ इलाकों में हमारे मुसलमान यानी सहाबा इकराम जाते, जंगे लड़ते, इलाके फतह कर लेते, वहाँ के लोग जब इस्लाम लाते तो वो मुख्तलिफ अपने लहजों के साथ कुरान अजीम पढ़ते, लहजे तब्दील होते जाते। आज अपना हम देखें हम कुरान भी पंजाबी में पढ़ रहे होते हैं, है कि नहीं? जैसे हम कुरान पंजाबी में पढ़ रहे होते हैं, आप हरम शरीफ में जाए तो वहाँ पे जब वो तकबीरात भी अगर आप सुने ना मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ मुल्कों से जब आती तो किसी की आवाज़ अल्लाह अकबर को अगर हम ले लें तो वहाँ कुछ लोग पढ़ने के अल्लाह अकबर, कुछ पढ़ने के अल्लाह अकबर, ये अपने अपने लहजे अपनी अपनी जुबानें हैं। तो फिर जब ये कितना शुरू हुआ सहाबा ने आके वापस ये हजरत उमर फारूक के ज़माने में गर्ज किया कि इस तरह लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो रहा है और इस इख्तिलाफ की बिना पे बाद कबीले बाद लोगों को काफिर कह रहे हैं और उनका इनकार कर रहे हैं और आपस में कत्ल वारत हो रही है, ये कुरान के लिए झगड़ा हो रहा है। तो फिर आपने फरमाया जो कबीला बनी मुजर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है उस खिलाफ पर कुरान करीम की खिलाफ को खास कर दिया जाए और वो ऐलान कर दिया जाए और उसी के मुताबिक नुस्खे ज़्यादा करके उन मुल्कों में भिजवा दिए जाए ताकि वो लोग उसकी कॉपी करें। मतलब कि तमाम मरहले अपने अपने वक्त पे होते रहे, होते होते फिर जाके कुरान मजीद हर जगह पे पहुंचना शुरू हुआ। फिर एक ज़माना जब तक हाथों के साथ नुस्खे लिखे जाते रहे और जब जाके प्रेस लगे फिर प्रेस में प्रिंट होना शुरू हुए और किताबी शक्ल में आए। अब ये कुरान अजीम आज इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून उस शानदार और आला तरीन हिफाजत के साथ हमारे पास मौजूद है। तो मोतबर इस
इसके सात अंदाज, सात किरातें जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इलाकों में पढ़े जाते हैं, जिनमें एक किरात वो है जो हमारे इलाकों में पढ़ी जाती है, जो हमारे पुराने करीम के अंदर दर्ज है। यानी ये लहजों का फर्क है, जिस तरह हम जबर से अपने लहजे में बदल देते हैं ना, ये उसका फर्क है। अल्फाज में, इराक में, आयतों में, सूरतों में ये कोई फर्क नहीं है, ये वही कुरान है जो रब करीम ने लोहे महफूज से उतारा। सामयाते कांतशन जरा सोचिए, ये एक पर्दे वाहिद का काम, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक का एक कारनामा इतना अजीम है, आप सोचिए कि बाकी कारनामों पे जब बात करें तो फिर उनका आलम क्या हो। इस्लाम जो फैला तो ऑटोमेटिकली नहीं फैल गया, जैसे सूरज निकला तो धूप सारे कायनात पे फैल गई। इस्लाम कितने मरहलों से गुजर के, कितनी जिद्दोजहदों से, कितनी जानों की कुर्बानियाँ लेकर और कितनी सदियों में ये कुर्बानियाँ देकर सारे आलम में फैला। और इस कुरान से सोचिए कि हमें कितना प्यार करना चाहिए, कितना इश्क करना चाहिए, कितनी मोहब्बत से इसको पढ़ना सीखना चाहिए, कितनी मोहब्बत से इस पर अमल करना चाहिए। और हर मरतबा खोलते हुए मेरा ख्याल है कि अब जब आप खोलेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि ये कुरान हमारे तक किस हस्ती की बदौलत पहुँचा और किसकी मेहनतों से आज हमारे माथों में आया। अल्लाह करीम हमें इससे सच्चाई मोहब्बत अता फरमाए, और इस कुरान के वसीले से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात के साथ हमें सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। वो जो आका दो आलम अलैहिस्सलाम के इंतहाई पसंदीदा और इंतहाई जिगरी दोस्त, जो बचपन के दोस्त थे, तकरीबन दो साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे हैं, यानी बचपन से आपकी दोस्ती, बचपन से आप का ये जो ताल्लुक था, गहरा दिली ताल्लुक, ये कायम रहा। और फिर आगे चलकर इस्लाम में अल्लाह ताला ने आपको कितना आला मकाम अता फरमाया, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आपकी जो वैल्यू और आपकी जो अहमियत है, उसका बात इस बात से भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपने अपने विसाल मुबारक से पहले अगर अपने मुसल्ला मुबारक पे किसी को खड़ा करने का हुक्म दिया तो वहाँ भी सिद्दीक़ अकबर का नाम आया। और जब आप मस्जिद के चारों तरफ जो दरवाजे खुलते थे सहाबा इकराम के, तो आपने उनको बंद करने का हुक्म दे दिया अपने वफ़ात से चंद रोज पहले, फरमाया कि तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ सिवाय अबू बकर के। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये तौफीक दी कि हम अपने महबूब के महबूबों से मोहब्बत कर सकें। उनका जिक्र खैर तो हमने किया, मगर अब तौफीक ये तलब करने की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक हमें भी उनकी ज़ात से वो इश्क व मोहब्बत अता फरमाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़ात अक़दस से था। वमा अलैया इल्ला अल बलागुल मुबीन।